दोस्तों फ्रंट एंड की दुनिया में ना रिएक्ट और एंगुलर बहुत बड़े नाम हो चुके हैं। जहाँ पर कई डेवलपर्स अपने करियर की शुरुआत रिएक्ट से करते हैं तो कोई एंगुलर में, लेकिन दोनों का मकसद एक है और वो ये है कि सिंगल वेब पेज एप्लीकेशन बनाना। मैंने अपने करियर में, मैं काफ़ी फॉर्चुनेट रहा कि मैंने दोनों पे काम किया, और सच बताऊँ तो अपनी स्किल्स को टेस्ट करने के लिए आज भी मैं कई जगह ऐसे ही इंटरव्यू दे देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि मैं कितने पानी में हूँ। लेकिन इस बार मैं पूरा सीरियस था अपनी जॉब को स्विच करने के लिए, और रीज़न था फॉर बेटर करियर ग्रोथ। और पिछले 14 महीनों से मैं एंगुलर पे लगातार काम कर रहा हूँ, और मैं अपनी नेक्स्ट कंपनी में भी एंगुलर को ही प्राइमरी स्किल्स दिखा के इंटरव्यू देना प्रेफर कर रहा हूँ। सो हाय गाइस, माय नेम इज़ हरीश शर्मा एंड आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन, वीडियो क्रिएटर बाय पैशन, इन्वेस्टर एंड ट्रेडर बाय डिज़ायर, एंड फाइनली नॉन टेक्निकल बाय लक। दोस्तों अभी रिसेंट में मैं आपसे अपने TCS का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। इवन मैंने दो इंटरव्यू पहले भी दिए हैं, और उसके बिहाफ पे मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि ऐसे कौन से जनरल क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपसे ऐसे एंगुलर डेवलपर पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि व्हाट इज़ एंगुलर और व्हाई इट्स कॉल्ड ए फ्रेमवर्क रेदर देन ए लाइब्रेरी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर वैसे तो बुकिश लैंग्वेज में एक वन लाइनर भी दिया जा सकता है, बट आई रिकमेंड कि आप आंसर में स्पेसिफिक रहें और अच्छे से डिस्क्राइब करें, बिकॉज फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन ऑफ कोर्स। और इसके अलावा जो मुझसे कॉमनली पूछा गया था वो था कि व्हाट इज़ डायरेक्टिव, व्हाट इज़ एंगुलर CLI, व्हाट इज़ टाइपस्क्रिप्ट, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंगुलर एंड एंगुलर JS। और दोस्तों इस वीडियो में मेरा मकसद है आपको कुछ कॉमन क्वेश्चंस के बारे में बताना जो आपसे इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट करेगा। अगर आप चाहेंगे तो इनके रिकमेंड आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, जिसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे पिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे पूछा गया कि व्हाट इज़ मेटा डेटा इन एंगुलर, और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि मेटा डेटा हो, एनोटेशंस हो या फिर डेकोरेटर, तीनों एक ही चीज़ है। इन तीनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सो डोंट बी कन्फ्यूज। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसके बिना आई थिंक एंगुलर इंटरव्यू क्वेश्चन राउंड अधूरा है, वो है व्हाट इज़ डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड हाउ कैन वी अचीव दिस इन एंगुलर। इसके बाद मुझसे TCS इंटरव्यूअर ने लेज़ी लोडिंग के बारे में पूछा, और इसको कैसे हम अचीव कर सकते हैं एंगुलर के अंदर। कंपोनेंट्स में डेटा किस तरह से हम लोग शेयर कर सकते हैं, एंगुलर कंपोनेंट की लाइफ साइकिल हुक्स कौन कौन से हैं, और NG कंटेंट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद मुझसे राउटिंग को लेके भी कुछ सवाल पुटअप किए गए, जैसे कि व्हाट इज़ राउटर आउटलेट, पाथ मैच क्या होती है, और गार्ड का यूज़ हम क्यों करते हैं। एंगुलर में एक वैसे बड़ी कमाल की चीज़ होती है, वो है जिसकी वजह से आई थिंक एंगुलर को फ्रेमवर्क की कैटेगरी में रखा जाता है रेदर देन लाइब्रेरी, और वो है RxJS। RxJS के सवालों के लिए भी हमें रेडी रहना पड़ेगा, एंड एज एक्सपेक्टेड इंटरव्यूअर ने RxJS से भी मुझसे सवाल पूछने शुरू किए, जैसे कि ऑब्जर्वेबल्स और जावास्क्रिप्ट के नेटिव प्रोमिस में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ HTTP क्लाइंट यू यूज टू गेट द डेटा फ्रॉम द API, एंड आफ्टर गेट द डेटा How can you filter that data after iteration without using for each? दोस्तों मेरा जो इंटरव्यू TCS में हुआ उसका एक्सपीरियंस बार था 4 से 8 ईयर का, मेरे लिए एकदम फिट था। पिछले 1 सालों में मैंने जो भी प्रोजेक्ट पे काम करते वक्त सीखा उनसे मैं पहले ही काफ़ी कॉन्फिडेंट था, और मेरा ये राउंड पॉजिटिव भी हुआ। वैसे तो ऐसा होना बिल्कुल ऑब्वियस है कि कुछ सवालों के जवाब शायद आपको ना आते हों, बट जब भी क्वेश्चंस के आंसर आप देंगे तो इंटरव्यूअर सिर्फ एक चीज़ नोटिस करेगा, और वो है आपका कॉन्फिडेंस। अगर आप भी पेन पेपर लेके मेरे बताए हुए क्वेश्चंस को नोट करने में लगे हुए हैं, सो डोंट वरी, पेन वापस रख दीजिए, क्योंकि उन सभी क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चंस को मैं ऑलरेडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख चुका हूँ। तो दोस्तों ये था मेरा एक्सपीरियंस इन माई फर्स्ट इंटरव्यू फॉर एंगुलर। अगर आपने भी कोई इंटरव्यू एंगुलर में अब तक दिया है तो आप अपना एक्सपीरियंस मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, जिससे औरों को भी कुछ कॉन्फिडेंस आए या मदद मिले, या फिर अपने डाउट्स या फिर क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हो। और इफ़ यू वांट टू लर्न द एंगुलर, टू एंगुलर की प्लेलिस्ट मैंने दूसरे क्रिएटर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो वहाँ से आप एंगुलर को पढ़ सकते हो। बाकी दोस्तों मैं अपनी बात कह चुका हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें। इफ़ यू यूज़फुल टू एनीवन, अगर किसी के लिए मददगार है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। अपने थॉट्स आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल नॉन टेक्निकल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।
दोस्तों इस कार में इस्तेमाल होने वाली हाइड्रोजन को हम बायोमास से प्राप्त करते हैं, जबकि इसके अलावा हमारे पास ब्लू हाइड्रोजन का भी ऑप्शन है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक इंडिया में फ्यूल स्टेशन पे ग्रीन हाइड्रोजन की कीमत 430 से 495 और ब्लू की कीमत 420 से 455 के आसपास होगी। यानी इस कार में 5.5 किलोग्राम वाले कैपेसिटी का सिलेंडर है, वो अगर आपने एक बार फुल करा लिया तो 600 किलोमीटर तक का सफ़र भी अगर आपने किया तो आपका खर्चा 4 से 4.5 रुपये पर किलोमीटर ही आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2020 में एक बार कहा था कि हाइड्रोजन के इस्तेमाल को बढ़ाना पड़ेगा, और इसके बाद 2021-2022 के आम बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा था कि वो हाइड्रोजन एनर्जी मिशन को लॉन्च करेंगी, और इसी साल नितिन गडकरी ने भी घोषणा की थी कि IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ग्रीन हाइड्रोजन की सप्लाई को पूरा करेगा। दोस्तों इन सब बातों से एक बात तो साफ है कि हाइड्रोजन कार्स हो, इलेक्ट्रिक हो या फिर फ्लैक्स फ्यूल बेस्ड कार हो, इंडिया तेजी से पेट्रोल के दूसरे ऑप्शंस को ढूंढने के लिए काम कर रहा है, जिससे कम से कम फ्यूल के लिए उसे दूसरे देशों पर निर्भर ना रहना पड़े, अपने ही देश में फ्यूल बने। और वैसे भी द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया अपनी इनकम का 17% पैसा फ्यूल पे खर्च करता है। अगर हमने इस 17% को थोड़ा सा भी कम कर दिया तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। इस वीडियो को अभी फ़िलहाल देखने के लिए थैंक्स, और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, नॉन टेक्निकल लिखेंगे तो मैं वहाँ पे आ जाऊँगा। और दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको कुछ पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।